दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए 18 अप्रैल का दिन काफ़ी ख़राब रहा है। रोनाल्डो की वाइफ जॉर्जिना रोड्रिगेज ने 18 अप्रैल के दिन जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के वक्त उनके नवजात बेटे का निधन हो गया। रोनाल्डो और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, जिसकी जानकारी खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर दी। आपको बता दें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 18 अप्रैल की देर रात सोशल मीडिया पर नवजात बेटे के निधन की जानकारी दी है। रोनाल्डो ने ट्वीट करते हुए लिखा, बड़े ही दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे नवजात बेटे का निधन हो गया है। ये एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख है। हमारी बेटी का जन्म ही हमें ताकत देता है और इस दुख को झेलने की शक्ति देता है। हम सभी डॉक्टर्स और नर्सों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। इस घटना से हम पूरी तरह हताश हैं और सभी से अपील करते हैं कि निजता का ख्याल रखा जाए। हमारा बेटा हमारा फरिश्ता था, हम उसे हमेशा प्यार करेंगे। बता दें, रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जिना ने पिछले साल अक्टूबर में ऐलान किया था कि वो जुड़वा बच्चों के माता पिता बनने वाले हैं। दोनों ने अस्पताल से तस्वीर भी शेयर की थी। इन्हीं दोनों बच्चों की डिलीवरी के वक्त बेटे का निधन हो गया है, वहीं नवजात बेटी सुरक्षित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।